हेलो गाइस, मेरी फ्रेंड्स हमेशा मुझसे पूछती हैं, दिव्या कुछ लुक्स तुम्हारे इतने एलिगेंट होते हैं, हाउ डू यू अचीव दैट। सो आज की वीडियो के लिए मैंने स्पेशली ऐसे कुछ एथनिक लुक्स क्यूरेट किए हैं जो कि एलिगेंट, सोफिस्टिकेटेड एंड क्लासी हैं। आई ट्राई कि मैं सारे एलिमेंट्स डिटेल में डिस्कस करूँ ताकि नेक्स्ट टाइम आप भी अपने आउटफिट्स को एलिगेंटली स्टाइल कर पाएँ। तो शुरू करते हैं। सो इस लुक को मैंने क्यूरेट किया विद एन अनारकली, क्योंकि अनारकली मोस्टली सारी कॉमन बॉडी शेप्स को फ्लैटर करते हैं, लाइक पेयर बॉडी शेप, एप्पल बॉडी शेप, जिसपे इनफैक्ट मैंने एक वीडियो भी बनाई है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इन केस यू वांट टू चेक। नाउ आप इस लुक को हैविली एक्सेसराइज करने के लिए टेम्प्ट होंगे बिकॉज अनारकली पे कुछ ज़्यादा काम नहीं है, कोई हैवी वर्क नहीं है। बट सिंस वी आर एमिंग फॉर एन एलिगेंट लुक हियर, मैं इसको स्टाइल करूंगी विद एन ओवरसाइज मांग टीका। यस, यू हर्ड इट राइट, विद एन ओवरसाइज मांग टीका, क्योंकि हम और कुछ ज्वेलरी नहीं पहन रहे हैं ना। हमारा मांग टीका हैवी ज़्यादा ना लगे तो उसे कैसे टोन डाउन करें? हम वो करेंगे विद द हेल्प ऑफ हेयर स्टाइल। बालों को एक लूज पोनीटेल में बांधिए और कुछ फ्लिक्स छोड़ दीजिए। फ्लिक्स फेस को फ्रेम करके उसका साइज भी छोटा करेंगे। अगेन द हेयर स्टाइल विल एड द वेरी शीकनेस विच राउंड्स ऑफ द लुक। सिंस अनारकली में कुछ वर्क नहीं है तो मिरर वर्क ऐड करेंगे थ्रू अ पोटली। अब हम ऐसा लुक पिक करेंगे जिसमें एक नहीं दो दो स्टेटमेंट पीसेस स्टाइल किए हैं, फिर भी ये लुक एलिगेंट है। सो इस लुक में मैंने एक फ्लेरी स्कर्ट के साथ स्टेटमेंट लेयर्ड रफल क्रॉप टॉप स्टाइल की। फॉर ज्वेलरी अगेन लेयर्ड स्टेटमेंट पर्ल इयररिंग स्टाइल किए। नाउ जब भी आप एक एंसेंबल क्रिएट करने का सोचें तो मैचिंग एलिमेंट्स एज वेल एज एलिगेंट एलिमेंट्स दोनों का ध्यान रखें। फॉर इंस्टेंस दो यहाँ मेरे दो पीसेस बोल्ड हैं पर उनमें मैचिंग है लेयर एलिमेंट। स्कर्ट प्लेन है तो ये दो एलिमेंट्स निखर कर आएंगे। नाउ आप एलिगेंट बनाने का काम हमारी टॉप की नेकलाइन पर छोड़ दें जो कि डीप वी है, जिसमें आपकी नेक एंड कॉलर बोन्स हाईलाइट होंगे, प्लस क्रॉप टॉप की वजह से मिडरिफ विजिबल हो रहा है। सो इफ यू हैव टोन्ड मिडरिफ वो भी आपको एलिगेंट दिखाएगा। स्कर्ट ए लाइन है सो फर्दर ये आपकी वेस्ट को नैरो शो करेगी। इयररिंग्स लेंथ का इल्यूजन क्रिएट करते हुए नेक को और एलोंगेटेड दिखाएंगे। फाइनली जस्ट एड अ रिंग और एक पुल बैक हेयर डू कीजिए, लुक हैवी ना लगते हुए क्लीन लगेगा। बैगी आउटफिट्स नेवर लुक क्लासी। सो यहाँ मैंने एक बटर सिल्क साड़ी पिक की और एक स्ट्रेट फिट नी लेंथ कुर्ता उसके साथ पेयर किया। दोनों के सिलुएट्स इल्यूजन क्रिएट करेंगे एक एलोंगेटेड फ्रेम का। सिल्क की साड़ी होने की वजह से जो प्लीट्स फॉर्म हुई हैं दे लुक सो डेलिकेट और जिस तरह से दे आर सिटिंग दे आर गिविंग सच अ नीट एंड एलिगेंट अपीयरेंस। फाइनली आई डिडंट वांट टू ओवरवेलम द लुक सो लाइट ऑक्सीडाइज ज्वेलरी से लुक को कंप्लीट किया। सो टेक अवे फ्रॉम दिस लुक इज आप सिलुएट्स का ध्यान रखें, ऐसा सिलुएट पिक करें जो आपकी बॉडी शेप को फ्लैटर करे। मटेरियल जैसे सिल्क शिफॉन बहुत डेलिकेट एंड एलिगेंट लगते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करें। एंड प्रिंट्स लाइक बंधेज या फ्लोरल बहुत ही फेमिनिन लगते हैं, इनको अपने फैशन चॉइसेस में इंक्लूड करें फॉर दैट वेरी एलिगेंट अपीयरेंस। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑफ समथिंग एज प्लेन एज कुर्ता एंड पैंट सेट। कुछ भी फैंसी नहीं है, काफ़ी ये काइंड ऑफ बोरिंग है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे डार्क टोन्स इंट्रोड्यूस करूँगी इन टर्म्स ऑफ ब्लैक कलर ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज। नाउ लुक को एलिगेंट बनाने के लिए मैंने नेकलेस बहुत ही डेलिकेट पिक किया है जो कि है एक बीटेड जयपुरी लाख एंड इनामल वर्क नेकलेस। मैंने यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा हेवी ज्वेलरी वेयर नहीं की क्योंकि मुझे ऐसा लगा
कहीं ना कहीं वो जो एलिगेंट चार्म है इस लुक का उसे ही ख़त्म कर देगा। लुक थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा था तो मैंने एक पोटली बैग भी कैरी कर लिया। नाउ पोटली बैग्स नॉर्मली एक नाजुक एलिमेंट नहीं होते हैं, पर क्योंकि हमने नेक पीस लाइट पहना है प्लस आउटफिट हमारा लाइट कलर्ड है तो अगेन लुक बैलेंस हो गया कहीं ना कहीं। तो पूरा गेम है एक बैलेंस्ड आउटफिट क्रिएट करने का। अपने लुक में धीरे धीरे एलिमेंट्स ऐड करें, कोई भी एलिमेंट ओवरवेलमिंग नहीं होना चाहिए और जब बैलेंस राइट रहेगा यू विल एंड अप विद एन एलिगेंट एंसेंबल। सो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज इससे मुझे ये समझ में आता है दैट आई एम ऑन राइट ट्रैक, आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। अच्छे से ध्यान रखिए, बाय बाय।